हेलो बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नीट 2021 में पूछा गया विमीय विश्लेषण का प्रश्न है, यदि ई व जी क्रमशः ऊर्जा और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण गुणांक को व्यक्त करते हैं तो ई बटे जी की विमाएँ क्या होंगी। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं ई, जिसे ऊर्जा कहा जा रहा है, की विमा ऊर्जा बराबर होता है बल गुणा विस्थापन यानी कार्य के बराबर। अगर हम इसकी विमा निकालना चाहते हैं तो बल की विमा होती है एम एल टी की माइनस टू और विस्थापन एल होता है, तो ऊर्जा की विमा हो जाएगी एम एल की टू टी की माइनस टू। और गुरुत्वाकर्षण निकटांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे कैपिटल जी बोलते हैं, बड़ी जी, इसका सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला मात्रक होता है न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। अगर एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, इसकी विमा निकालोगे, इसका मात्रक निकालोगे तो ये आता है, न्यूटन का होता है एम एल टी माइनस टू और ये एल स्क्वायर हो जाएगी और ये हो जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर। तो यहाँ से मेरी विमा आएगी एम की माइनस वन एल की थ्री टी की माइनस टू। अब मुझे पूछ रहा है ई बटे जी की विमा, तो ई की है विमा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और यहाँ पर एम की माइनस वन एल की थ्री टी की माइनस टू ये विमा है जी की। तो जब ये ऊपर जाएगा तो एम की विमा हो जाएगी दो, एम का घात हो जाएगी दो, एल की घात माइनस एक हो जाएगी, दो में से तीन घटेगा और टी से टी कट रहा है यानी टी की घात हो जाएगी जीरो। तो हमारे पास ई बटे जी की विमा आई एम की दो एल की माइनस वन टी की जीरो। अब देखते हैं हमारे किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, एम की दो एल की माइनस वन टी की जीरो यानी बी ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हमने हल किया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।